बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले 22 साल के रामगोपाल मिश्रा के साथ बहुत क्रूरता की गई थी। हत्यारों ने गोली मारने से पहले उसकी बुरी तरह पिटाई की और धारदार हथियार से भी हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। उसके चेहरे, गले और सीने पर करीब 35 छर्रे लगने के निशान मिले हैं। घटना बहराइच जिले की महसी तहसील के महाराजगंज की है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान आरोपियों ने राम गोपाल का अपहरण कर उसकी हत्या की। जब शव बरामद हुआ और पोस्टमार्टम कराया गया तो ये खुलासा हुआ कि राम गोपाल को गोली मारने से पहले क्रूरतापूर्वक टॉर्चर किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार करंट और घावों से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण राम गोपाल को ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार राम गोपाल की हत्या से पहले उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। शरीर पर भारी गोली के निशान मिले हैं और उसके सिर, माथे और हाथ पर धारदार हथियार से हमले के जख्म मिले थे। राम गोपाल के साथ की गई बर्बरता यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उसके पैर के नाखूनों को जबरन खींचकर बाहर निकाला गया, जिसकी पुष्टि उसके अंगूठे कर रहे थे। उसे मारने के लिए करंट भी लगाया गया था और उसकी आंखों के पास किसी नुकीली वस्तु से गहरे घाव किए गए थे। बहराइच में हिंसा की शुरुआत इस प्रकार हुई थी कि हरदी थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव के निवासी रामगोपाल मिश्रा रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में शामिल थे। जब ये जुलूस महाराजगंज बाजार के एक विशेष समुदाय के मोहल्ले से होकर गुजरा तो दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। इस दौरान आरोप लगाया गया कि छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे जुलूस में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान रामगोपाल को एक घर में ले जाकर बेरहमी से मार दिया गया। उसकी मौत की खबर फैलते ही महाराजगंज में हिंसा भड़क उठी। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। सोमवार को जब रामगोपाल का शव गाँव पहुँचा तो भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया और वो बेकाबू हो गए। महाराजगंज क्षेत्र में कई घरों, नर्सिंग होम, बाइक शोरूम और दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। स्थिति को गंभीर होते देख पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और PAC और RAF को तैनात कर दिया गया। STF चीफ भी खुद पिस्टल लेकर सड़कों पर उतर आए। 3 दिन बीतने के बाद भी महसी के महाराजगंज क्षेत्र में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।